फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज बनाने वाली हूँ भेज पुलाव। जो आप इसको पुलाव या प्रसाद भी बोल सकते हो, जो बाबा को मिलता है ना, साईं बाबा का, उस तरह से। देखिए, मैं इसमें आज कुकर में बना रही हूँ, या पतीला हो या जिस चीज़ में बनाना चाहो बना सकते हो। इसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इसमें देखिए, मैं जीरा, राई और हींग और करी पत्ता, ये सब का फ़ौरन डालती हूँ। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, उसको बारीक काट कर फ्राई कर रही हूँ। वो अच्छे से फ्राई हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ का आलू लेती हूँ। आलू को भी आप अच्छे से लाल करना रहता है। जब तक आप प्याज आलू को लाल नहीं करोगे, टेस्ट अच्छा नहीं आता। देखिए, मैं 2 आलू को मीडियम साइज काट ली हूँ। इसको मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ। देखिए, मेरा प्याज और आलू अच्छे से फ्राई हो गया। 10 मिनट तक मैं इसको मीडियम आंच पे फ्राई की थी। उसके बाद मैं 2 टमाटो ली हूँ, जिसको मैं बारीक काट ली हूँ। इसको भी मैं अच्छे से लाल करती हूँ। इसको गलने के लिए मैं नमक डालती हूँ। नमक से अच्छे से गल जाता है। देखिए, मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार। जितना मेरा चावल है उसके अनुसार आप नमक डालो। थोड़ा बाद में भी डाल सकते हो, मैं एक ही साथ डाल दी हूँ। देखिए, मेरा टमाटर, प्याज और आलू दोनों मिक्स हो गया अच्छे से। इसमें मैं देखिए, धनिया, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर, और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मैं इसको डाल के अच्छे से फ्राई करती हूँ। ये फ्राई करने के लिए थोड़ा पानी डालना, क्योंकि नहीं तो वो जलने लगता है मसाला। उससे क्या होता है, जलने के बाद अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा पानी डालकर अच्छे से फ्राई करती हूँ। हाँ, इसमें मैं चावल 10 मिनट तक भिगो कर रख दी थी, मतलब पानी निकाल कर। इससे थोड़ा सा खिला खिला चावल और जल्दी बन जाता है। देखिए, मैं चावल को भी 10 मिनट तक अच्छे से भूजती हूँ। 10 मिनट मेरा चावल को हो गया है। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास चावल ली थी, उसमें 1.5 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग अपने बनाना, देखना कैसा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसको आप सुबह रात कभी भी बना सकते हो। देखिए, मैं इसमें 3 सीटी तक प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, और देखिए कितना खिला खिला चावल बना है। प्लीज़ बनाओ, खाओ और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करो। और प्लीज़, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए कितना खिला खिला। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बन गया ये खाना। कैसा लगा आप लोग बतलाना, और अपना, आप भी बनाना और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना। अच्छा लगा तो